हेलो दोस्तों, अल्टोफैक्स टाइम में आपका स्वागत है। चलिए आगे की वीडियो देखते हैं। पिछले 4 दिन से दिल्ली में कोरोना की वजह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ये बात वो स्वीकार करते हैं, पर उन्होंने कहा कि हम पे भरोसा करिए, आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे है। कहा कि उनका मानना है कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, हमेशा लॉकडाउन नहीं कर सकते और लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, कोरोना रहेगा और हमें इसका इलाज करना होगा। बात भी यही है, कोई ये नहीं कह सकता 1 महीना लॉकडाउन और कर दो कोरोना मर जाएगा, कोरोना रहेगा और हमें उसका इलाज करना होगा। अगर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो ठीक हो और घर चले जाएं, ठीक हो और घर चले जाएं, लेकिन मौत नहीं होनी चाहिए। कोरोना की वजह से पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी बेड का इंतज़ाम कर लिया गया है और वो आगे भी और बेडों का इंतज़ाम करेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा, अगर दिल्ली में 17,386 केस हुए हैं उनमें से 2100 पेशेंट अस्पतालों में हैं, उनमें से कुछ की मौत हो गई है और ज़्यादातर अपने घर चले गए हैं और सिर्फ 2100 पेशेंट में हॉस्पिटल में है। केवल कोरोना मरीजों के लिए, हाँ केवल कोरोना मरीजों के लिए 6600 बेड का इंतज़ाम किया गया है और 5 जून तक दिल्ली में 9,500 बेड हो जाएंगे, 6,500 बेड तैयार हो चुके हैं, 9,500 और होंगे। जिस पर कोरोना मरीजों का इलाज होगा। उन्होंने ये कहा 6,600 बेड में से सिर्फ 2100 कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है, उन तक दिल्ली में 9,500 बेड तैयार हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको मैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अल्टोफैक्स टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू वाला बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट में आपको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी।